गाइज गुड इवनिंग, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं, मतलब दांतों का जो डॉक्टर है वो डेंटिस्ट गए थे, दो तीन दिन पहले गए थे। तो वहाँ पे मतलब दांतों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा दवाई दे दिया और बोला कि RCT करवाना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइज आपको दिखाते हैं, आ जाइए। तो गाइस देखिए अभी हम लोग मतलब आ गए हैं डॉक्टर के पास। तो अभी मतलब डॉक्टर के मतलब जो चेम्बर है उसी के सामने है और वहाँ पे एक पेशेंट है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो देखिए गाइस अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और उसके बाद जो पेशेंट चला जाएगा फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एनेस्थेसिया किया है, वो सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह किया है, क्योंकि वो जो रॉड वॉड वगैरह जब मतलब जो मेजरमेंट लेते हैं ना तो ऐसे ही नॉर्मली नहीं कर सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने मतलब वो इंजेक्शन मतलब तीन जगह पर वो असर कहते हैं ना उसको एनेस्थेसिया किया है। तो मुझे अभी मालूम नहीं हो रहा था, जब वो इंजेक्शन लगा रहा था तो थोड़ा सा पेन हुआ था, तो इतना भी मतलब ज़्यादा नहीं लगा। अभी देखिए चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। तो अभी देखिए घर में आ रही हूँ, तो मेरे घर से थोड़ा नज़दीकी है डॉक्टर का मतलब जो चेम्बर है। अभी मतलब रात को गाड़ी नहीं मिला तो ऐसे ही मतलब शाम को चले आए। तो अभी देखिए घर पे आ गई हूँ और ये देखिए मैं गेट खोल मतलब खोल रही हूँ, और मतलब आते आते बेटा बोल रहा है मुझे मुगलाई खिलाना पड़ेगा। और माँ होना तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि बेटी का फरमाइश पूरा कर, कितना भी तकलीफ़ हो। तो घर आके थोड़ा सा सूझ गया था, थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, बेटे का फरमाइश है, बेटे को खाना है, इसीलिए मतलब माँ होना तो बहुत बड़ी बात है, सब कुछ बेटे के लिए करना पड़ता है। तो अभी देखिए गाइस क्या करूं, बेटे के लिए बनाना पड़ रहा है मुगलाई, चिकन मुगलाई। तो गाइस दांतों का दर्द लेके अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, मैंने दवाई ले लिया है। अभी देखिए गाइस यहाँ पे मैंने प्याज जो है पीस लिया है और तेल में प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। और देखिए प्याज को अब मतलब अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद अभी मैं डाल दूँगी आलू। ये जो हम लोग कोलकाता वाले हैं ना, ये मुगलाई के साथ ये आलू का सब्ज़ी खाते हैं, और इसी में हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर और हरा जो वो हरा मिर्च जो होता है वो, और अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ अच्छी तरीके से मैं डाल दिया है, और टोमेटो केचप डाल दिया है, और अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगी और पानी डाल दिया है। देखिए गाइस अभी ये जो सब्ज़ी है ये रेडी मतलब हो गया है। और दूसरी तरफ देखिए गाइस मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको मोयन डाल दूँगी और फिर इसको अच्छी तरीके से एक डो बना लूँगी। तो गाइस देखिए मतलब क्या करूँ, अभी बेटे को खाना है और बेटा बच्चा है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे प्याज के मतलब मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा चिकन मैंने डाल दिया, घर पे ही चिकन था तो वही चिकन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है, और ये चिकन मैं बना रही हूँ। और देखिए गाइस यहाँ पे देखिए अंडा ले लिया है, और अंडा ये चिकन वाला बेटे को, बेटा बोल रहा है कि ऐसे भी खाना है और थोड़ा बहुत चिकन वाला भी खाना है। तो बेटे के लिए अलग से ऐसे मतलब नॉर्मल एक जो है ना वो एक डाल के अलग से मुगलाई बनाऊंगी, और थोड़ा सा चिकन वाला भी बना रही हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा मतलब ब्रेड क्रम्स मैंने डाल दिया है, और देखिए प्याज हरी मिर्च और ये चिकन और अंडा अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लिया है, और फिर अभी देखिए मैं मुगलाई बनाऊँगी। तो यहाँ जो डो था उसको थोड़ी देर रेस्ट करके मतलब 10 मिनट रेस्ट हो चुका है, रेस्ट कराने के बाद ही फिर अभी मैं बना रही हूँ छोटा छोटा जो बॉल बना रही हूँ, और अभी रोटी की तरह मतलब देखिए बना लूँगी, और ये जो चिकन वाला जो चीज़ है वो अंदर डाल के इसको फोल्ड कर दूँगी, और पहले इसको सेक लूँगी और फिर उसके बाद इसको तेल में ऑयल कर मतलब फ्राई करूँगी ऑयल में। देखिए गाइस ऐसे मैं सेक रही हूँ और फिर ऑयल में फ्राई करूँगी। तो सेकने के बाद ये ना अंदर का जो कच्चापन वो गायब हो जाता है, वो बहुत ही मतलब फ्राई अच्छी तरीके से होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, पता है। तो गाइस देखिए अभी मतलब मैं तल रही हूँ, और जितना भी मतलब अभी दांतों का दर्द थोड़ा कम हो चुका है, और रात को मतलब यही सब लोग खाएँगे तो क्या करूँ अभी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा मुगलाई जो है रेडी हो चुका है, और मैं इसका छोटा छोटा पीसेस बना रही हूँ, और अभी हम मतलब खाने के लिए पूरा रेडी है और सब्ज़ी भी है। अभी देखिए गाइस मैं इसको सर्व कर दूँगी,
तो सर्व करने के बाद देखिए गाइस कुछ इस तरह के, मतलब इस तरह से देखने को है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने को तो मतलब देख के ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में और भी बढ़िया लगेगा। तो बेटे को खाना है, तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ बेटे को खिला के। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।